वहीं उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारी और अधिकारों के और अधिक सशक्त किया है। आपको बता दें कि सरकार ने और इसके फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी के तहत मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। दरअसल वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इनमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में इसे संशोधित किया गया। अब इसे मार्च 2024 में पुनः संशोधित किया है। इसी के तहत ही वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही इसमें कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। वहीं अब वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी और अवैध खनन आदि पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अमरीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। मुख्य रूप से जो उत्तराखंड के वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930s से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो नॉन मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही में जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उनको अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो वन उपज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मुख्य रूप से आपके जो छोटे मोटे घास है या आपका झूला है, इनका रवन्ना भी वो काट सकते हैं।